हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी 2022 के सारे आर्टवर्क्स। तो गाइस, मैं सबसे पहले आपको ये वाली फाइल दिखाने वाली हूँ। ये मेरी फर्स्ट ड्राइंग है 2022 की। इसमें मैंने शिजुका बनाई है, शिनचैन की मदर बनाई है और एल्सा बनाई है। और सेकंड ड्राइंग है मेरी लक्ष्मी जी की। तो इसमें मैंने लक्ष्मी जी बनाई है। और सेकंड ड्राइंग है मेरी गणेश जी की। तो गाइस, इसमें मैंने गणेश जी बनाए हुए हैं। और जो मैंने फोर्थ ड्राइंग बनाई है वो है महादेव की। तो गाइस, इसमें बहुत मेहनत लगी थी, तो मैंने ये फोर्थ ड्राइंग है 2022 की। तो ये मेरी फिफ्थ ड्राइंग है सरस्वती जी की। फिर गाइस, इसके बाद मैंने जो ड्राइंग बनाई है वो बहुत ही सुंदर है, तो वो है कृष्ण जी की, जो कि मैंने जन्माष्टमी पर बनाई थी। तो ये भी मेरी पर्सनल फेवरेट है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है ये भी। और इसके बाद मैंने बनाई थी राधा जी की। तो गाइस, इसमें इतनी डिटेल वर्क है, आप देख सकते हो कि मैंने इसमें कितनी डिटेल करी है। ये मैंने पूरी की पूरी ब्लैक पेन से बनाई है। और जो इसके बाद वाली है वो हनुमान जी की है, वो भी मैंने पूरी ब्लैक पेन से बनाई है। और इसके बाद आए थे गाइस नवरात्र। तो नवरात्रों में मैंने 9 देवी के रूप बनाए हैं। तो पहला है शैलपुत्री, तो ये मैंने बनाया है day 1, तो ये भी बहुत अच्छा बना था। तो सेकंड है माँ ब्रह्मचारिणी जी का सेकंड डे, जो कि नवरात्रों का होता है। फिर है तीसरा रूप माता रानी का, वो है चंद्र घंटा। तो गाइस, ये मेरी सारी 2022 की ड्राइंग्स है, तो ये आपको मैं सारी दिखा रही हूँ। और ये है मेरी नवरात्रि की day 4 की ड्राइंग, कूष्मांडा माता की। और इसके बाद मैंने बनाई है day 5 स्कंद माता की। और इसके बाद मैंने बनाई है कात्यायनी माता day 6। और गाइस, इसके बाद मैंने बनाया है day 7, तो उसमें है कालरात्रि माता। ये तो गाइस मेरी पर्सनल फेवरेट है, ये बहुत ब्यूटीफुल बनी थी ये वाली। और फिर इसके बाद मैंने बनाई है day 8। तो day 8 में है महागौरी जी माता, मैंने ये बनाई है। तो गाइस, इसके बाद है, ये भी अच्छी बनी थी, तो इसके बाद है हमारा day 9 सिद्धिदात्री माता का। तो गाइस, इसके बाद मैंने ये बनाया था। ये गाइस मैंने रियलिस्टिक आईज, नोज और लिप्स बनाने की कोशिश करी थी, तो ये भी गाइस काफ़ी ब्यूटीफुल बना था। तो गाइस, इतना ही था इस वाली मेरी फाइल में, तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस, ये है मेरी सेकंड फाइल। तो इसमें फर्स्ट मैंने जो बनाया है वो है नेचर स्टडी part 2। तो एक्चुअली मैं गाइस, मेरी स्कूल की फाइल है, एक्चुअली मैं 7th क्लास में हूँ। तो ये मेरी अभी जो मेरी फाइल है ना ड्राइंग बुक की, ये मेरी स्कूल की है। तो सेकंड मैंने बनाई थी कैलीग्राफी। सो गाइस, इसके बाद मैंने बनाया है कार्टून करेक्टर चुटकी और भीम बनाए हैं, मिक्की माउस बनाया था और मिनी माउस बनाया था। ये तो गाइस मेरी पर्सनल फेवरेट है, ये बहुत ब्यूटीफुल बनी थी। इसके बाद गाइस, मैंने ये बनाया है ट्रिगर इंसान का स्केच। सो गाइस, मुझे पता है ये ज़्यादा अच्छा नहीं बना था उस समय पर, फिर भी मैंने इसको अच्छे से बनाने की दोबारा से कोशिश करूँगी। इसके बाद मैंने बनाया है एनिमल स्टडी part 1। ये मेरी सारी ड्राइंग स्कूल कॉपी की हैं, क्योंकि आपको इसमें सिग्नेचर्स दिख रहे होंगे। उसके बाद मैंने बनाया है एनिमल स्टडी part 2। इसमें मैंने डियर बनाया है और डॉग बनाया है। इसके बाद है स्टिल लाइफ। इसमें मैंने स्टिल लाइफ बनाई थी अपने सामने सामान रखकर, और इसमें से एक जो है वो मेरी बुक की थी। इसके बाद मैंने बनाया है लैंडस्केप। लैंडस्केप ये भी काफ़ी ब्यूटीफुल था, ये मेरी बुक में था, जो मेरी बुक है 7th क्लास की उसमें था। उसके बाद मैंने बनाया है सूगा। ये गाइस थोड़ा थोड़ा कुछ उस मैंने ये कम से कम 8 months ओल्ड होगा। इसके बाद मैंने बनाया है ऑयल पेस्टल से एप्पल का स्केच, ये बहुत अच्छा बना था। तो मैंने इसमें ग्रेप्स भी बनाए हैं और इसमें मैंने चेरी भी बनाई है। सो इसके बाद है लीसा का स्केच। लीसा का स्केच थोड़ा सा रियलिस्टिक भी बना था और थोड़ा सुंदर भी लग रहा था। इसके बाद मैंने बनाया है सरोजिनी नायडू जी का स्केच, वो तो गाइस बिल्कुल ही रियल लग रहा है। फिर मैंने थोड़े से ऐसे ही कुछ डूडलिंग करने के लिए फूड बनाए थे। और उसके बाद मैंने बर्ड स्टडी बनाई है।
और उसके बाद मेहंदी डिजाइन है। और गाइस जो आपको राधा कृष्ण जी की पेंटिंग दिख रही होगी वो मैंने 5th क्लास में बनाई थी, सो गाइस सॉरी वो इसमें आ गई गलती से। सो गाइस इतना ही था इस वाली ड्राइंग बुक में, तो चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट में तो आप सबको पता ही होगा ये आपकी जानी पहचानी फाइल है। जब मैंने अपना ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था अमंग 4 मंथ्स पहले, तो मैंने इसको आपको दिखाया था, लेकिन सिर्फ मैंने इसका आपको कवर दिखाया था। तो कवर मैंने कुछ इस प्रकार डेकोरेट किया है, इसमें लिखा हुआ है मैंने आर्ट इज हैप्पीनेस। तो गाइस दिस इज ट्रू, आर्ट इज हैप्पीनेस। तो इसमें मैंने कुछ मॉन्यूमेंट्स बनाए हुए थे, तो मैंने सोचा कि मैं इसमें पेस्ट कट कर कुछ ऐसे इसको डेकोरेट कर दूँ। उसके बाद मैंने बनाई है शिव जी और पार्वती जी का स्केच। इसमें शिव जी हैं और पार्वती जी हैं, तो इसमें मैंने उन दोनों का स्केच बनाया। तो ये मेरा फर्स्ट स्केच था जो मैंने, आप लोगों का कमेंट आया था कि मुझे स्केच पे का ऑप्शन ट्राई करना चाहिए, तो मैंने स्केचेस बनाया था। तो ये मेरा फर्स्ट स्केच था, उसका आउटकम भी बहुत अच्छा था। और जो मेरा सेकेंड स्केच है वो है बंगाली ब्राइड का। सो ये भी काफ़ी ब्यूटीफुल बना था, तो मैंने इसमें रेड कलर का यूज़ किया था इस डेकोरेट करने के लिए। वैसे मैंने सोचा था कि मैं इसको पेंसिल कलर से बनाऊं, लेकिन उस समय पर मुझे अमंग पहले बनाया हुआ है मैंने, तब मुझे पेंसिल स्केच चलाने नहीं आते थे। तो उसके बाद मैंने बनाई है दुर्गा माता का स्केच, तो ये भी बहुत ब्यूटीफुल बना था। इसमें भी काफ़ी मेहनत लगी थी गाइस। सो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरी जो भी अगर आपको बना दी तो उसको प्लीज़ लाइक कर दीजिए। सो गाइस आपके लिए वीडियो बनाने के लिए भी। और गाइस उसके बाद मैंने बनाया है KGF का ड्राइंग। इसके बाद बनाया था मैंने रॉकी का KGF स्केच। सो गाइस ये पूरा प्रॉपर रियल बना था, लेकिन इसका जो लिप पोर्शन था वो थोड़ा सा अनरियल लग रहा था। सो गाइस ये इसमें मेरी मिस्टेक हो गई, तो मैं इसको और अच्छा बनाने का ट्राई करूँगी। गलती से मेरे से 1 पेज भी लीव हो गया था। तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? मेरे साथ तो ऐसा होता है, मैं कभी कभी छोड़ देती हूँ। गाइस ये है मेरा ब्यूटिफुल सबसे बेस्ट वाला पेंसिल कलर स्केच। तो मैंने ये मेरा फर्स्ट पेंसिल कलर स्केच था, इसका आउटकम इतना अच्छा है इसका आउटकम कि ये मेरा फेवरेट बन गया। जब से ये मैंने बनाया है अब तक ये मेरा फेवरेट है, और ये हमेशा फेवरेट ही रहेगा। और सेकंड था मेरा श्री कृष्ण का, ये भी बहुत ब्यूटीफुल बना था। तो मैंने इसके ये भी मैंने अमंग 1 मंथ्स पहले बनाया था, तो ये भी बहुत ब्यूटीफुल बना था। तो मैंने स्केचबुक ली थी 2 मंथ्स पहले, लिए मैंने स्केचबुक, तभी मैंने ये सारे स्केचेस बनाए। फिर मैंने बनाया मल्लिका सिंह का स्केच राधा के रूप में, तो ये गाइस थोड़ा मेरा ज़्यादा अच्छा नहीं बन पाया था। इसके बाद मैंने बनाया यशोदा माता और श्री कृष्ण, इसका तो आउटकम, इसका भी आउटकम बहुत अच्छा था। इस वीडियो पे जो मैंने अपलोड की थी इस पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए थे, और ये आपका बहुत ज़्यादा। तो गाइस इसके बाद मैंने बनाई है सरस्वती जी, तो इसमें भी मेरी गाइस बहुत मेहनत लगी, और ये भी काफ़ी अच्छा आउटकम था इसका भी, तो ये भी मेरा पर्सनल फेवरेट स्केच है। सो इस स्केच को गाइस आपने भी बहुत सपोर्ट किया था, सो थैंक यू सो मच। और इसके बाद मैंने बनाया था एक स्केच, तो ये भी बहुत अच्छा बना था। इसमें इसी यही हमारा इससे स्केच बुक का लास्ट स्केच था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट में आपने देखा होगा रियलिस्टिक लिप्स, ये भी गाइस बहुत ज़्यादा ज़्यादा बहुत ब्यूटीफुल बने, ये लिप्स भी बहुत ब्यूटीफुल बने। और गाइस इसके बाद मैंने बनाए हैं श्री कृष्ण और राधा जी की स्केच, ये भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बना था। गाइस इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल की वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से। आप भी मेरी तरह ड्राइंग बनाने का ट्राई कीजिए मेरे ट्यूटोरियल्स में से। थैंक यू।